नॉर्थ ईस्ट के टूर का आज 8वां दिन है और हम मणिपुर की राजधानी इम्फाल में हैं। आज हम इम्फाल के आसपास के टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं उनको विजिट करेंगे। उनमें है एंड्रा विलेज जो 30 किलोमीटर है इम्फाल से, और दूसरा है खोंगजोम वार मेमोरियल जो यहाँ से 36 किलोमीटर है, तो दोनों आसपास में ही हैं और आज उनका विजिट करेंगे और अब बस हम यहाँ के लिए निकलते हैं। हम आज के पहली डेस्टिनेशन एंड्रो विलेज के लिए निकल चुके हैं, इसको कल्चर विलेज भी कहते हैं। एंड्रो विलेज पहुंच गए हैं और ये इम्फाल के ईस्ट में करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे दो पार्क हैं और एक मंदिर है और इसको मणिपुरी ट्राइब्स के कल्चरल हेरिटेज को रिप्रेजेंट करने के लिए बसाया गया था, लेकिन अब यहाँ ऐसा कुछ पुराना दिखता नहीं है, अब ये पूरी तरह से डेवलप हो चुका है। चलो अब निकलते हैं और देखते हैं दोनों पार्क और मंदिर को और विलेज का टूर करते हैं। पहले पार्क पैनम गार्डन पहुंच गए हैं और अब अंदर चल के इसके अंदर घूमते हैं और देखते हैं क्या है। पार्क बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है और ऐसा लगता है कि लोगों को सुबह वॉक करने के लिए इसको डेवलप किया हुआ है। इसमें एक बीच में लेक बनी हुई है और ऐसा लगता है कि बारिश का पानी इस लेक में इकट्ठा होता है, और तो कोई सोर्स है नहीं पानी का। और यहाँ चार तरफ इसमें वॉकवे बना हुआ है, ये चारों तरफ दिख रहा है, ये वॉकवे है। दूसरे डेस्टिनेशन मंदिर में पहुँच गए हैं और लगता मंदिर तो बंद है, टेंपल बंद है। मंदिर के पुजारी से बात कर रहे हैं तो शायद वो जो जिसके पास चाबी है वो यहाँ है नहीं है, तो उसको फ़ोन करके बुलाया जा रहा है। फ़ोन करने के बाद पुजारी जी आए हैं, दरवाज़ा खोल दिया है, तो मंदिर के अंदर चलते हैं दर्शन करने के लिए। अंदर से वीडियो या फोटोग्राफी के लिए तो मना कर रहे हैं, तो दर्शन करके अगले डेस्टिनेशन के लिए चलते हैं। एंड्रो विलेज देखने के बाद अब हम इंडो म्यांमार हाईवे पे पहुंच गए हैं जो इम्फाल से म्यांमार जाता है, और खोंजोम वार मेमोरियल देखने के लिए जा रहे हैं जो इम्फाल से 36 किलोमीटर है और यहाँ से 6-7 किलोमीटर है। और ये 1891 में जो ब्रिटिशर्स के साथ युद्ध हुआ था
उस उनके शहीदों की याद में बनाया गया है। कौन जाऊँ वार मेमोरियल के गेट पे पहुंच गए हैं और हम अंदर चल के देखते हैं। इसलिए पता नहीं लगता है, वीडियो बना लो, बन रही है वीडियो। होटल वाले ये तो गया था वहां जाना। टिकट काउंटर लेके तभी जाएगी गाड़ी आगे, पार्किंग उधर है कहीं। ले आओ टिकट। ₹40 50 उतर लीजिए, मैं गाड़ी अंदर जाने के लिए यहाँ टिकट लेना पड़ता है, तो भी हम टिकट ले रहे हैं और टिकट ले गए, इसके बाद अंदर जाएंगे और गाड़ी को ड्राइवर यहाँ से पार्किंग में ले जाएगा। मेमोरियल में ऊपर जाने के लिए काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, तो हम धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं। ये जो सामने दिखाई दे रहा है सीधा, ये इंडो म्यांमार रोड हाईवे दिखाई दे रहा है सामने, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट इस सामने हाईवे है। चलो अब ऊपर चलते हैं, पहुँच जाते हैं। अभी और तो ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं है, बस ख़त्म हो गई है, ऊपर पहुँच गए हैं। इस मेमोरियल के लिए चारों तरफ बहुत लंबा चौड़ा एरिया एक्वायर किया हुआ है और ये एशिया का पहला और वर्ल्ड का सबसे ऊंचा तलवारों की शेप में बनाया हुआ मेमोरियल है, जो 1891 में जो ब्रिटिश एम्पायर और मणिपुर के राजा के बीच में जो लड़ाई हुई थी, उसमें जो लोग शहीद हुए थे सैनिक, उनकी याद में इसको बनाया गया। और ये बहुत ही सुंदर, और ये जो पिलर इसमें है ये मेटल के हैं सारे, ये पूरा मेटल है। अब ये स्टील है या पता नहीं क्या है, लेकिन है ये पूरा मेटल, पूरा मेटल है ऊपर से नीचे तक, और बहुत सुंदर है।
मणिपुर की बड़ी फेमस मार्केट है। इसमें वेजिटेबल्स, वेज, नॉन वेज सब कुछ एक ही जगह पे मिलता है। और इस मार्केट की खासियत यह है कि इस मार्केट में जितने भी स्टॉल लगे हुए हैं उन सब को लेडीज चलाती हैं। और यहाँ हमने ये पूछा तो पता लगा कि यहाँ लेडीज के सिवाय किसी भी जेंट्स को इन स्टॉल पे बैठना अलाउ नहीं है, ये सिर्फ लेडीज मार्केट है। बस इसी वीडियो के साथ हमारा मणिपुर का जो टूर था वो कंप्लीट हुआ। और मणिपुर में हमने पूरे 2 दिन लगाए, इम्फाल में, इम्फाल के चारों तरफ हमने जो भी जगह थी सब हमने देखी। और बस अब हम कल यहाँ से मिजोरम जाएंगे और अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और कल मिजोरम के लिए निकलेंगे।